अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन आज के दिन अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च की 24 जनवरी 2023 को जो रिपोर्ट निकलकर आई थी, उसके बाद से दुनिया भर की ग्लोबल रेटिंग कंपनियों की तरफ से अडानी ग्रुप की बॉन्ड की वैल्यू को जीरो कर दिया गया था और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस में भी यहां पर डाल दिया गया था। लेकिन आज के दिन ऐसी ही एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें S&P अफॉर्म्स रेटिंग ऑफ अडानी ग्रीन रिमूव फ्रॉम अंडर ऑब्जर्वेशन ऑन फुली सिक्योर डेप्ट। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। S&P जो कि एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल रही है, जिसने अभी तक अडानी ग्रुप को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रखा था, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पर बीत चुका था और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल रही थी। किस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन? जो क्रेडिट रेटिंग कंपनियाँ हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट को कंप्लीट एनालिसिस करती है, कंपनी के असेट्स, कंपनी की लाइबिलिटी को एनालिसिस करती है, कंपनी के डेप्ट को एनालिसिस करती है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर रेटिंग देती है। तो यहां पर S&P ग्लोबल फर्म जो कि एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी है, उनकी ऑब्जर्वेशंस यहां पर कंप्लीट हो चुकी है और उसमें उन्होंने अडानी ग्रीन को लेकर BB+ की रेटिंग दी है। तो काफी पॉजिटिव रेटिंग हमें यहां पर आते हुए देखने को मिल रही है और स्टेबल आउटलुक यहां पर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं अल्सो द अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज रिमूव द कंपनी फ्रॉम अंडर क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पिछले 1 से 1.5 महीने से जो इस कंपनी ने S&P ग्लोबल फर्म ने अडानी ग्रुप को जो अंडर ऑब्जर्वेशन रख रखा था वहां से भी बाहर कर दिया है। तो काफ़ी बड़ी और गुड न्यूज़ हमें अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। S&P expects the company's restricted group to help meet repayment obligations due to its strong reserving mechanism. यानी कि अभी भी अडानी ग्रीन के पास में काफ़ी अच्छा रिजर्व अवेलेबल है, जिसका वो रीपेमेंट के रूप में काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें आज के दिन अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं RG2 आर द को इश्यूअर्स एंड को गारंटर्स ऑफ अडानी ग्रीन टू $362 million इन ग्रीन बॉन्ड्स विच अ मैच्योरिटी ऑफ 20 ईयर्स एंड अ वेटेड एवरेज लाइफ ऑफ 13 ईयर्स। तो यहाँ पर जो हमें क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके बाद में मंडे के दिन अडानी ग्रीन के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं कल के दिन एक लेट नाइट एक और अपडेट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर सुनील मेहता जो कि अडानी ग्रीन के डायरेक्टर है, उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है और यहाँ पर इंडसइंड बैंक को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑन फ्राइडे डेट सेड इट्स डायरेक्टर सुनील मेहता हैज रिजाइन टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉलोइंग हिज अपॉइंटमेंट ऑज चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक। तो यहां पर जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उसका रीजन भी कंपनी ने यहां पर क्लियर करा है कि उनका इंडसइंड बैंक के अंदर चेयरमैन के तौर पर अपॉइंटमेंट हो गया है, जिस कारण से उन्होंने अडानी ग्रीन पर जो उनकी पोस्ट थी एज अ डायरेक्टर, उसे यहां पर रिजाइन कर दिया है। तो यहां पर ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। रिसेंटली श्रीलंका के अंदर भी अप्रूवल मिल चुका है, लगभग $442 million के विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन के हाथ लग चुकी है, जिसके चलते अडानी ग्रीन यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस बनाकर दे सकता है। और यदि आपने अडानी ग्रीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मंडे के दिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बात करें अडानी पावर को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसके पहले आप देख सकते हैं फियर्स ऑफ लॉस इन अडानी ग्रुप पोर्टफोलियो सेंड LIC नियर ऑल टाइम लो। यानी कि अडानी ग्रीन के अंदर, अडानी ग्रुप्स के अंदर जो LIC का इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट टाइम नियर ऑल टाइम लो पर चला गया है। यानी कि अभी तक LIC का जितना इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीज का, वो हमें प्रॉफिट मेकिंग ही देखने को मिल रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम अब हमें वो नियरेस्ट देखने को मिल रहा है किस चीज के, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशंस की। तो यहां पर ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि LIC अब क्या स्टेप्स लेता है यहाँ पर, क्या अपनी होल्डिंग्स को स्क्रब कर देता है या अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करता है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अगर हम अडानी ग्रीन एनर्जी की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अडानी ग्रीन के अंदर हमें 5% का लोअर सर्किट ही देखने को मिला है,
बात करें अडानी ग्रीन की परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक महीने के अंदर अडानी ग्रीन का शेयर ऑलमोस्ट 77% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। कंटिन्यूसली यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी जो वैल्यूएशन है यानी कि जो इसका पी रेशियो है जो कि हमें आज से ठीक एक महीने पहले लगभग 700 के 800 पी पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम इस शेयर की वैल्यू अराउंड 2500 थी, तो अब यहां पर शेयर जो कि हमें लगभग 480 रुपीज पर देखने को मिल रहा है, इसका पी भी 700 से 800 रुपए से घटकर 130 रुपए पर आ चुका है। लेकिन अभी भी अगर शेयर की बात करी जाए तो ये इसके दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में अभी भी इसका जो पी है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। तो यदि आप अडानी ग्रीन के अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाने का सोच रहे हैं तो अभी के टाइम पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहां पर करना चाहिए। अगर आप अडानी ग्रीन का मैक्सिमम ईयर्स का चार्ट उठाकर देखेंगे तो शेयर हमें जो 2020 में 460-480 के नियरेस्ट देखने को मिल रहा था उसी लेवल पर आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल की बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि आज से 2 साल पहले अगस्त 2020 में अडानी ग्रीन की जो शेयर प्राइस थी उसी के अराउंड हमें ये शेयर प्राइस देखने को मिल रही है। तो यदि आप अडानी ग्रीन के अंदर फ्रेश पोजिशंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको बिल्कुल भी इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वहीं अदर शेयर्स की बात करें यानी कि अडानी ग्रीन को छोड़कर अगर हम ACC, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विलमार, अडानी सीमेंट अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर भी अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से जो बाकी कंपनियों के ऊपर भी जो अंडर ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रहा है, जो रेटिंग एजेंसियों की तरफ से रेटिंग को या तो जीरो कर दिया गया है या इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो उसकी तरफ से अगर कल के दिन या लेट नाइट कोई पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आती है तो मंडे के दिन हमें इनकी बॉन्ड वैल्यू के अंदर भी एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ इक्विटी बाजार के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और एक रिकवरी मोड पर ये शेयर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अडानी पोर्ट के अंदर भी, अडानी पावर के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को विद स्टॉप लॉस होल्ड करते हुए चल सकते हैं और अगर आप अभी भी मुनाफे में हैं तो यहां पर आप मुनाफा बुक करके बाहर हो सकते हैं, या फिर अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हैं तब भी आप अगर यहां पर एग्जिट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको चांस मिलता है तो आप यहां पर एग्जिट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अब स्टॉक्स के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप विदाउट एनी कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।